हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले और कुलचे की रेसिपी। और इसमें खास बात यह है कि हम जो कुलचे हैं वो होममेड हैं, घर में बना रही हूँ कुलचे, और बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाऊंगी। सभी टिप्स के साथ आप भी इसी तरह से इसको बनाएं। और इसमें एक खास बात और है कि इसमें जो कुलचे और छोले हमने बनाए हैं बिल्कुल ही मार्केट के स्टाइल से बनाए हैं और बिल्कुल अलग बनाए हैं, तो आप भी इस तरह से बनाएं। और इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ शाउट आउट्स जिन्होंने मुझे कमेंट्स दिए थे, और उनके नाम मैं आपके साथ अनाउंस करूंगी और शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोले और कुलचे बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुलचे बनाना। और कुलचे बनाने के लिए, मेजरमेंट के लिए मैं इस कप का यूज़ कर रही हूँ और साथ ही इस चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखें, मेजरमेंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये परात ली है। इस तरह से आप कोई चौड़ी कप के हिसाब से, जो है मैंने इस कप के हिसाब से 3 कप मैदा इसमें डाला है। ये मेजरमेंट मैं आपको 6 लोगों के लिए बता रही हूँ। आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजरमेंट के बिना हमारी चीज खराब भी हो सकती है। जब भी आप कोई बेकिंग का काम कर रहे हैं, केक वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा कप सोडा, खाने वाला सोडा है ये, और 1 कप बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडे का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, पर दोनों में से एक इंग्रेडिएंट हमारे पास होना जरूरी है। और इसके साथ हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हालांकि लॉकडाउन हट चुका है, अनलॉक हो गया है, फिर भी हमें बाहर की चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। तो मैं इस वजह से आप लोगों के सामने ये वीडियो शेयर करने के लिए लाई हूँ। इस कुलचे की रेसिपी से आप और भी कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं, तो आपको कुलचे के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से आपको ये जो आटा है हिलाना है एकदम अच्छे से, और हल्का गुनगुना पानी जो है इसमें, मैं हल्के गुनगुने पानी से हम धीरे धीरे करके इसको, इसका डो बनाएंगे कुलचे का। हमारा डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपका डो जितना सॉफ्ट होगा उतना ही आपका कुलचे हैं सॉफ्ट बनेंगे। इस डो को बनाने में मेरे को लगभग 1/2 कप पानी लगा। इस तरह से आपको सारा आटा जो है समेट लेना है। एकदम अच्छे से मिक्स इसको लगाना है आपको, एकदम सॉफ्ट आटा होना चाहिए आपका। आप इस रेसिपी को, पूरी टिप्स जो है मैं आपको बता रही हूँ उसके साथ आप फॉलो करते रहें, उसके अकॉर्डिंग आप बनाने की कोशिश करें घर पे। देखिए,
ये हमारा डो रेडी रेडी हो चुका है। हमें इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मल मल के रेडी करना है। जितना आप इसको मलेंगे आटे को, इसके डो को, उतना ही ये अच्छे और सॉफ्ट इससे कुलचे बनेंगे आपके। देखिए लगभग 2 मिनट मैंने इसको मला है और ये देखिए डो कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए आपका आटा एकदम। और अब इस आटे को मैं लगभग 2 घंटे के लिए ढक के रखूंगी। आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए भी ढक के रख सकते हैं, परंतु 2 घंटे तक अगर आप ढक के रखेंगे अच्छे से तो ये काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे आपके कुलचे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए, अब हमने एकदम अच्छे से मल गया था। अब इसको हम इस तरह से धोएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं इसको मलते हुए और अब जो डो है ये इस तरह से इसको लंबाई में हमें करना है। इस तरह से इसको लंबा लंबा हमें बनाना है डो को। और अब हम इस तरह से इसके पीस काटेंगे। इस तरह से हम इसके जो है इस तरह काटेंगे। देखिए ये देखिए हमने जो है ये डो के टुकड़े बराबर भागों में कर लिए थे और इसको हम इस तरह से इसका गोला बना लेंगे। चारों गोले जो है हम अच्छे से बना लेंगे इसको और अब इसको बेलना शुरू करेंगे। आप इसको कैसे भी शेप में बना सकते हैं, मैं इसे गोल शेप में बना रही हूँ। हल्का सा ओवल होगा मेरा। इस तरह से थोड़ा सा बेलेंगे हम और इसमें हम ये थोड़ा सा धनिया पत्ती और अगर आप मिर्ची पसंद करते हैं तो हरी मिर्च बारीक कटिंग इसमें लगा देंगे और ये ब्लैक जीरा इस तरह से लगा देंगे और इसको एकदम अच्छे से पुश कर लेंगे ताकि ये इसमें बना रहे, दबा रहे। और इसको अब ऐसे बेल लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथों की सहायता से भी इस तरह से बना सकते हैं, इतना ये सॉफ्ट आटा है, आराम से फैल जाएगा। और बेलन भी लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आपका को लग रहा है कि ये ठीक से बेला नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको सारे कुलचे के जो डो हैं वो बना के ऐसे बेल के रखने हैं। तो अब ये सारे जो कुलचे हैं मैं इस तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें सारे कुलचे जो हैं बना लेने हैं। लास्ट कुलचा ये जो है मैं बना रही हूँ, इसमें ये जो ब्लैक क्यूमिन है ऐसे दबा देंगे इसको अच्छे से और धनिया और मिर्ची को इस तरह से पुश करके अच्छे से इसको ताकि ये निकले नहीं सेकते समय और इस तरह से बेल लेंगे। आप चाहे तो इसको लंबाई में भी बेल सकते हैं और गोलाई में भी, आपको जैसा शेप पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बेला है। देखिए इस तरह से लंबाई इस तरह से बेल सकते हैं और गोलाई में मैंने आपको दिखाई दिया था। तो इस तरह से आपके तैयार हैं कुलचे सीखने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनको सेकना। तो हमारे कुलचे जो हैं बिल गए हैं और अब मैंने ये जो तवा है गैस पे रख दिया है। तवा आपका हल्का गर्म होना चाहिए। देखिए गर्म हो चुका है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक टिप बताने जा रही हूँ कि आप जब तवा आपका हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हल्का सा पानी के छींटे देंगे और फटाफट जो ये कुलचा है इस पर रख देंगे और इसको ढक के रख देंगे। इससे क्या होगा कि पानी डालने से भाप बनेगी इसमें और आपका कुलचा आराम से सिकेगा और सॉफ्ट बनेगा। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही सिकने देंगे इसमें ढक के।
और 5 मिनट बाद हम देखेंगे कैसा बना है। आप चाहें तो इस तवे में दो तीन कुलचे डाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ एक ही कुलचा डाल रही हूँ और इसको अब बंद कर दिया मैंने। दो मिनट हो चुके हैं, पलट के देख लेते हैं हम इसे। ये देखिए एकदम अच्छे से सिक चुका है ये। अब इसकी दूसरी साइड भी सिकने देंगे। आपको कुलचा सिकते समय ये ध्यान रखना है कि जो गैस की लो है, गैस की जो लो है वो एकदम फ्लेम जो है लो होनी चाहिए। जब तक ये सिक रहा है हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि आगे से भी सॉफ्ट हो जाए, और इसमें हम दूसरा कुलचा रख सकते हैं। आप भी चाहें तो आपका अगर तवा बड़ा है तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। इस समय आपको एकदम गैस की जो फ्लेम है एकदम लो रखनी है ताकि आपका कुलचा जले नहीं, क्योंकि हमें कुलचे को दो बार सेकना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स कुलचा हमारा जो कितना अच्छे से सिक चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसको अभी पूरा सेक सकते हैं अगर आपको अभी खाना है, और अगर आपको बाद में खाना है तो आप इसको अभी आधा सेक लीजिए और बाकी बाद में सेक सकते हैं। मैं इसको अभी आधा ही सेकूंगी क्योंकि आज मैं कुलचे से बना के रख रही हूँ। तो इस तरह से आपके ये कुलचे जो हैं, देखिए इसी तरह से हम सारे कुलचे जो हैं रेडी कर लेंगे। ये हल्का सा अगर कच्चा हो तो आप इसको थोड़ा सा पानी और उसमें डाल के और तुरंत उसको ढक के रख दीजिए ताकि भाप की सहायता से आराम से पक जाएगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इसको लो गैस पे रखना है। पहले हमें तवा अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद में इसको इसमें पानी छिड़कना है, और उसके बाद हमें इसमें सिकने रखना है कुलचे को। और एक बात का ध्यान रखिए, आपकी ये बार बार बाद में रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका कुलचा ख़राब नहीं हो। कुलचे को एकदम लो गैस पे ही आपको सेकना है और इसको एकदम से पानी डालते ही ढक देना है ताकि भाप बने और भाप से ये एकदम टेस्टी कुलचे बनेंगे। तो आप सभी इन सभी टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपके कुलचे परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरह से हम सारे कुलचे रेडी कर लेंगे। तो लास्ट जो दो कुलचे और बचे थे हमारे वो भी रेडी हो चुके हैं, और मैं इसको गैस बंद कर दूंगी और इनको प्लेट में निकाल लूंगी। अगर आपको तुरंत खाने हैं तो आप इसको अच्छे से सेक सकते हैं। अभी मैं इसको आधा सेक के रख रही हूँ, और देखिए आसानी से बना सकते हैं आप कुलचे, कितने इजी है इन्हें बनाना। आप इस तरह से बना के एक दिन पहले रख सकते हैं, अगर आपके घर में पार्टी हो या कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। तो अब छोले हम बनाएंगे और छोले के साथ इसको सर्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं छोले बनाना। और छोले आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से और कई सारी टिप्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो आप एक एक टिप को, एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से देखें और उसको उस हिसाब से बनाएं। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 कप छोले लिए हैं और इसको मैं इस तरह से भगोने में डाल दूंगी। और अब हम सारे मसाले जो हैं इसमें जो यूज़ करेंगे, खड़े मसालों को छोड़ के जो बाकी मसाले हैं उनको हम इस मसाले में ही मिक्स कर लेंगे। ये एक अलग ट्रिक है जो आप जरूर करें। इसमें हम मिलाएंगे नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मिला के अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच चिली, रेड चिली पाउडर जो आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। आपको छोलों में जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
सारे मसाले मिक्स होने पर अब हम इसमें डालेंगे तो हमारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब जो मैंने अमचूर का जो ये बनाया था अमचूर की चटनी बनाई है ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और ये अमचूर की चटनी जो है वो इसमें मिक्स करेंगे हम और इसको लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस स्टेप में मैं सबसे पहले मैंने पैन रख दिया है और गैस ऑन कर दी है और अब इसमें हम जो ये दाल मेथी है वो हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। दोस्तों ये एक अलग ट्रिक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। इसमें हम अब हमने मैंने जो पैन है गैस पे रख दिया है और ये जो मेथी है वो हम थोड़ी रोस्ट करेंगे। ये सूखी भी मेथी है दोस्तों, इसको पान मेथी भी बोलते हैं। इसको हमें 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ये बिल्कुल ही अलग ट्रिक के साथ आपको आज मैं बनाना सिखा रही हूँ। इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपके छोले भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे, एकदम कुलचे के साथ जो हम खाते हैं मार्केट में वैसे के वैसे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी मेथी अच्छे से भून चुकी है और अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें बाउल में। अब इसी पैन को मैं रखूंगी और गैस ऑन कर दूंगी। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद है तो आप ज़्यादा ऑयली बना सकते हैं, कम ऑयली पसंद है तो आप कम ऑयली भी बना सकते हैं। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। ये बड़ी वाली इलायची और साथ में मैंने डाली है इसमें लौंग, 4-5 लौंग और 3 बड़ी इलायची। दो मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है सिर्फ हमें और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, 3 प्याज है ये, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अब आपको हाई फ्लेम पे जो है इसको भूनना है अच्छे से। इस बात का आप ध्यान रखिए जितना अच्छा प्याज आपका भुनेगा उतने ही आपके छोले टेस्टी बनेंगे। तो प्याज भी और सारे मसाले जो हैं हमें एकदम अच्छे से भूनने हैं। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हमने प्याज एकदम अच्छे से प्याज जो है भून लिए हैं। देखिए कितने इनका कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ ही रही है। अब जो है इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें डाल दूँ। आप अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बना के एक शीशी में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप सर्विस से जाते हैं तो आपको आसानी रहेगी इसमें। देखिए एकदम अच्छे से भून चुके हैं और अभी इस स्टेज में मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल दूँगी। ये 4 बड़े टमाटर थे इनको मैंने पीस लिया है और इसमें एक मिर्ची डाली थी हरी मिर्च। अब इसको हमें काफ़ी देर पकाना है, काफ़ी देर तक। लगभग 5 मिनट तक हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए। मसाला देखिए, आपको ये बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि मसाला भूनते समय आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है।
टाइम तो इसमें लगाना पड़ेगा, तभी टेस्टी बनेंगे आपके छोले। और अब थोड़े से मसाले जो हैं वो थोड़े से इसमें और हम डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, और अभी सब्जी को चलाना। मसाले हमें 2 मिनट और भूनने, ये मसाला जब तेल छोड़ देगा तो आप समझिएगा कि ये भून चुके हैं मसाले। इसमें तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तेल। और देखिए हमारे जो छोले हैं एकदम अच्छे से रेडी हो चुके हैं, मतलब अभी पूरे रेडी नहीं हुए, अभी अभी इसमें काफ़ी सारा काम बाकी है। तो अब हम यूँ करेंगे कि इसमें विसल लगानी है, हमें 6-7 विसल लगानी है। उसके लिए जो ये छोले हैं मैं ये कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। छोले हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिए और गैस ऑन कर दी है, और अभी इसमें हम 2 कप पानी और मिलाएंगे। लगभग 1.5 कप पानी हमें मिलाना है इसमें। आपको ये ध्यान रखना है इसमें पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि हम ये कुलचे वाले छोले बना रहे हैं। कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और 6 विसल आने तक, 6 विसल आने देंगे और उसके बाद इसको खोलेंगे। तो हमारे 6 विसल जो है आ चुकी है, अब हम खोल के देख लेते हैं। गैस बंद कर दी हमने। वाओ वेरी लवली, पर अभी ये पूरे बने नहीं हैं, अभी भी इसमें काफ़ी सारा काम है। इसमें अभी हम कई सारे जो टिप्स हैं वो यूज़ करेंगे। अभी इसमें मैं गैस जला रही हूँ और एक बर्तन रख रही हूँ इस पर। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कप लेंगे और इसमें इतना पानी हम डालेंगे, और जैसा आप देखते हैं कि बाज़ार में बहुत अलग कलर होता है छोलों का, उस कलर को लाने के लिए मैं इसमें ये टिक रिप जो यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से लगभग 1 चम्मच जो है चाय पत्ती हम इसमें डाल देंगे और इसको उबलने देंगे। तो हमारी चाय पत्ती उबल चुकी है, देख सकते हैं आप। और अब हम ये कुकर जो है इस पे रखेंगे गैस पे, और ये पानी जो है चाय का वो भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें एक और काम करेंगे, अभी ये जो सोडा है खाने का, लगभग 1/2 चम्मच के करीब ये सोडा हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से बुलबुले उठे हैं, और इससे क्या होगा, इसमें एक रिएक्शन होगा और छोलों का कलर बहुत ही अलग दिखाई देगा आपको बाजार जैसा। गैस बंद कर देंगे थोड़ी देर, और ये सोडा डालने के बाद ढक्कन हम लगा ऐसे ही बंद कर देंगे। गैस बंद है अभी हमारी, लगभग 2 मिनट के लिए इसको रखे रहने देंगे, और 2 मिनट बाद जो हमने ये मेथी भुनी थी वो इसमें डालनी है, और इसको मिक्स करना है हमें। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया, और इसको मिक्स कर देंगे। ये सब काम हम गैस बंद करके ही करेंगे। और अब इसमें हम एक नींबू का रस जो है वो डाल देंगे। तो
हमारे छोले रेडी हैं, बस अब इसका हम तड़का भी तैयार कर लेंगे। और तड़का तैयार करने के लिए जो गैस है वो ऑन कर रही हूँ मैं। इस तरह से पैन एक रख दिया मैंने इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे, लगभग 4 बड़े चम्मच जो है ऑयल यूज कर रही हूँ मैं इसमें। 4 टीस्पून जो तेल है वो उसमें डाला है मैंने, क्योंकि छोले में काफी तेल डाला था हमने। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च, इसको 2 मिनट के लिए चला लेंगे हम। रेडी हो चुका है हमारा तड़का, और ये तड़का जो है इन छोलों में डाल देंगे हम। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसको पास से दिखाती हूँ मैं आपको, इसका कलर कितना यम्मी और बाजार जैसा दिख रहा है, एकदम जैसे हम कुलचे वाले छोले खाते हैं वैसे ही है ये। तो अब हम प्लेटिंग करते हैं। अब हमने जो कल कुलचे बनाए थे उसको हम सेक लेंगे, जैसे हम बाजार से लाते हैं फिर उसको सेकते हैं दोबारा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो कुलचे जो होते हैं हमारे उसको 2 बार सेकना पड़ता है। तो इसके लिए तवा गर्म हो चुका है मेरा, और इसमें मैं डालूंगी बटर, बटर या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, और इसको सेकेंगे अच्छे से। इस तरह से आपको अच्छे से सेकना है इसको। आप इसे 2 कुलचे भी एक साथ सेक सकते हैं इसमें। इसमें आप घी या बटर जो है अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा बटर अच्छा लगता है तो ज़्यादा बटर लगाएं, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप उस हिसाब से बटर लगा सकते हैं। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी, जो कुलचे हैं हम इसको ऐसे ही कच्चा बना के सेक के, और इसको हम 7 दिन के लिए फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए जो कुलचे हैं उसे हमें एक प्लास्टिक की अच्छी क्वालिटी की थैली लेंगे उसमें, और उसको बंद कर देंगे। पहले हमें कुलचे बनाने के बाद उसे ठंडा करना है अच्छे से, और उसके बाद उसको थैली, प्लास्टिक की जो थैली है उसमें रखेंगे, और उसको एकदम बंद करके रख सकते हैं। कुलचे हमारे सीख चुके हैं एकदम अच्छे से, आप देख सकते हैं इनका कलर कितना सुनहरा और अच्छा लग रहा है। तो अब बारी है प्लेटिंग की, गैस बंद कर रही हूँ हमने। अब हम प्लेटिंग कर लेंगे, और प्लेटिंग करने के लिए जो छोले हैं इसमें डाल दूंगी मैं। देखिए दोस्तों कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका, ये जो हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली थी वो भी इस तरह से लगा देंगे। साथ ही मैं इसमें रखूंगी कुलचे जो हमने सेके थे अभी, और साथ में मैंने पुदीने और हरे धनिया की चटनी बनाई थी तो उसको भी हम सर्व कर सकते हैं। और ये जो है प्याज के लच्छे हम इस तरह से लगा देंगे प्लेट में। तो रेडी है हमारे छोले कुलचे की प्लेट। तो रेडी हमारे छोले कुलचे, और देखिए आप भी इस तरह से बनाएं टेस्टी और लाजवाब जो कुलचे छोले हैं। आपको इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाजार वाले छोले हाइजीनिक भी नहीं होते, तो आप इस तरह से घर पे भी छोले कुलचे बना सकते हैं और घर में खिला सकते हैं सबको। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है,
ताकि मैं इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे से क्या चाहते हैं, किस तरह की डिश बनवाना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी डिश अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और अच्छी नहीं लग रही है तो अनलाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और अनलाइक दोनों ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानती हूँ आजकल बिजी शेड्यूल रहता है, आज बिजी लाइफ रहती है, अगर इस बिजी शेड्यूल में आपको याद नहीं रहा है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है पूजास किचन ट्रेजर ऑफ फूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों अब वक्त है शाउट आउट्स के नाम अनाउंस करने का। पहला नाम है मिस पिंकी मदार, इन्होंने सबसे पहले मुझे कमेंट किया था। मिस्टर प्रतीक, मिस कुसुम कुमारी, मिसेज निर्मला सांगी एंड मिस्टर काशी बनारस, इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के नाम मेरी वीडियोस में अनाउंस किए जाएं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे भी बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों को नेक्स्ट डिश में आप मेरे से क्या चाहते हैं, किस तरह की डिश बनवाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।